लिखा है उन लोग रात रात भर बाइबल का अध्ययन करते थे, इतना ज्यादा अध्ययन कि एक जवान व्यक्ति उंगने लगा और छत से गिरकर मर गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको जीवित किया। अब आप यहां पर आते हैं, महीने में एक बार, और आप कहीं मर गए और आप आशा करते कि आपको जिंदा कर दिया जाए। हाउ इट विल हैपन? द वर्ड विच गिव्स लाइफ इज नॉट इन यू। कैसे आपको जीवन मिलेगा? तो इसीलिए आपको आदत डालनी चाहिए, कोई भी संडे मिस नहीं करना है। यू नो वन थिंग आपको मेन लाइन चर्च से सीखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक बार आ रहा था, आप यहां से जब बाहर जाएंगे तो एक घर को टूटा हुआ पाएंगे टोटली फ्रॉम यू नो बेसमेंट, आई थिंक उन्होंने बेसमेंट बना रहे हैं, तो पूरा नीचे से खोद कर निकाल दिया उन्होंने बुलडोजर से। लेकिन वो करने से पहले जब घर फ्लैट था, तोड़ दिया था घर और उसको गड्ढा नहीं किया गया था। मैं सुबह आ रहा था बैग लेकर, संडे सुबह 7 बजे, ठंड का मौसम था, अभी ये इसी साल की बात है, और मैंने वहां के भाई साहब को देखा, हाफपन पहने हुए हैं और अपनी पत्नी के साथ हाथ पकड़कर उस भूमि में आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं बहुत देर तक उनको नोट कर रहा था, बहुत देर तक नोट कर रहा था। And they were praying and praying and praying and praying and praying and praying and praying. हम लोग कई बार मेनलाइन चर्च के जो मेंबर्स हैं उनको, ये क्या मेनलाइन, ये CNI का, ये मेथोडिस्ट का, ना 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 ना, यू कैन लर्न मैनी थिंग फ्रॉम देम। कुछ भी हो जाए उनका चर्च नहीं छूटता है। अगर घर में कोई मर गए हैं तब तो वो और ज्यादा चर्च में रहेंगे। हमारा तो थोड़ा सा सिर दर्द होता है तो अब चर्च में आज मेरा सिर दर्द कर रहा है। अगर आपको सिर दर्द कर रहा है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। अगर आपका पेट खराब है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। कमजोर महसूस हो रहा है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। पैसे नहीं है, दिस इज द ग्रेट प्लेस टू बी इन। दिस इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहां पर आप आत्मिक सच्चाइयों को सीखते हैं ना। लेट्स गो इन वर्ड, है ना, विल गो फास्ट। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन करेगा ना। बहुत सारे लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वचन को मनन नहीं करते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर का वचन जो है उनके जीवन में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चमत्कार दे दो, प्रभु मुझे चमत्कार दे दो। यू नो व्हाट, जैसे मैं अभी बता रहा था, यू डोंट नीड चमत्कार, यू डोंट नीड मिरेकल। आप एक दूसरे को देख कर कहे, आपको चमत्कार की जरूरत नहीं है, आपको भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। पता आपको क्या चाहिए? बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में, उसका आदर कर, उसका आदर कर, तब वो तुझे जीवन देगी। पता, आपका पैसा आपको इतना शौहरत नहीं दे सकता जितना आपका बुद्धि। It will put you in a high place. लेकिन बुद्धि होना चाहिए। Now read this scripture. We'll go fast little bit. First Peter, पहला पत्रस, उसका हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? पहला पत्रस 1:4. पहला पत्रस 1:4 लिखा है ना, अर्थात एक विनाशी, एक 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 एक, एक जाओ, एक से जाओ, हम इस पर आएंगे हम, राइट। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गलातिया, कपुदिकिया, आसिया और बितनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, दो, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार
शब्द दर शब्द नोटिस करना, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिले। कितना अनुग्रह शांति मिले? अत्यंत अनुग्रह और शांति। मैं प्रार्थना करता हूं 2020 में आपको धन मिले या ना मिले, अनुग्रह और शांति मिलने पाए। तीन पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आगे आगे, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराश के लिए। ना इन इंग्लिश इट सेज वेरी क्लियरली ना, रिजर्व इन हेवन फॉर यू। तो स्वर्ग में, आमीन, तो स्वर्ग में आपके लिए अद्भुत धन रखा गया। अंडरस्टैंड दिस राइट ना? लेकिन मेरा सवाल ये क्या है, हम स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। यहां के लिए क्या पढ़े मेरे साथ में? दूसरा पत्रस। मजा आ रहा है आप लोगों को? मुझे भी मजा आ रहा है। बस हम खत्म करेंगे, दो वचन और। दूसरा पत्रस एक और उसका एक, सुने इसको, दूसरा पत्रस एक एक। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। ना कैसा कैसा विश्वास प्राप्त किया? हमारा सा बहुमूल्य विश्वास, अप्रिशियस फेथ। लेकिन ये किन किन को प्राप्त हुआ, आए हम देखेंगे। रोमी की पत्री 12 और 3 पढ़ेंगे। रोमी की पत्री 12 और 3 ना, क्या लिखा हुआ देखें इसमें। क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इफ यू रीड इन इंग्लिश इज वेरी क्लियर कि वैसा विश्वास सबको सौंप दिया गया है, सबके पास में वैसा ही विश्वास है। टू एवरी मैन द मेजर ऑफ फेथ। तो यहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर एक लोगों के पास में एक सा विश्वास है, और यही पत्रस कह रहा था। राइट ना, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, दूसरा पत्रस एक उसका दूसरा पद ना, रीड दिस केयरफुली। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत याद से बढ़ती जाए। किसके पहचान के द्वारा? यीशु मसीह के पहचान के द्वारा। यू नो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। विदाउट नॉलेज यू वुडंट हैव अ ग्रेस और पीस। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको पढ़ना चाहिए। ना तीन पढ़े, क्या लिखा हुआ देखो। एक मिनट, दो पढ़े, दो वापस जाए। सो देखें, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा, राइट? तो जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक आपको ग्रेस कैसे प्राप्त होगा? और परमेश्वर को जानेंगे कैसे जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे? So the first thing is you need to read the scripture. So अपने जीवन में अगर मुझे अनुग्रह और शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे और ज्यादा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पड़ेगा। And remember this kind of knowledge, what Peter is talking about, this kind of knowledge does not get from the history books. ये परमेश्वर के इस प्रकार का जो ज्ञान है वो
और यह पहचान जो हिंदी में लिखी हुई है, ये आपको इतिहास के पन्नों से नहीं मिलती है, ये परमेश्वर के प्रकाशन से मिलती है, और ये प्रकाशन आपके हाथ में सौंप दी गई है। इट्स नथिंग इज हिडन हियर, इट्स ऑल ओपन बुक। आपके हाथ में प्रकाशन सौंप दी गई है, लेकिन इस प्रकाशन को और ज्यादा आप प्राप्त करते हैं जब आप उसके संगति में बैठते हैं, जब आप उसके वचन का अध्ययन करते हैं। नाउ रीड दिस, सेकेंड पीटर 1:3, अभी जो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। मैं चाहता हूं कि यहां तक आप पढ़े, ठीक है, दिया है तक एक साथ पढ़ेंगे, 1, 2, 3 गो। एक बार फिर से 1, 2, 3। हालेलुया। जरा सोचो, आपको रेंट की जरूरत है और आपको यह मिलता है। आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए धन की जरूरत है और आपको यह वचन मिलता है। आपको संबंध सही करने के लिए बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है और आपको यह वचन मिलता है। आपको आत्मा में आगे बढ़ने की जरूरत है और आपको यह वचन मिलता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ, अंडरस्टैंड दिस, मेरे साथ कहो, सब कुछ ना, जीवन और भक्ति, अंडरस्टैंड, आत्मा से जुड़ी हुई हर एक बातें, शरीर से जुड़ी हुई हर एक बातें आपको सौंप दी गई है। बट व्हेन यू डोंट नो दिस स्क्रिप्चर, यू आर रोमिंग अराउंड, आप घूम रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं पता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है। जब तक आपके पास में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक आपको ये जो चीज दी गई है वो भी प्राप्त नहीं होगी। लिखा हुआ, अकॉर्डिंग एज हिज डिवाइन पावर हैज गिवन अनटू अस ऑल थिंग दैट प्रिटेन अनटू लाइफ एंड गॉडलीनेस थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, कहे उसके ज्ञान के द्वारा मुझे सब कुछ दी गई है। क्यों? उसी के पहचान के द्वारा यहां पर लिखा है। अगर होगा आप हिंदी में ब्रैकेट में लिखना, थ्रू द नॉलेज, ज्ञान। आप उसको जितना ज्यादा जानेंगे आपको उतना ज्यादा मिलने वाला है। एंड दैट इज द वन रीजन पीपल कॉल मी, अरे दिस गाय इज फुल ऑफ ईगो। नो, आई एम नॉट फुल ऑफ ईगो। छोटा सा अंतर है, मैं परमेश्वर को जानने लगा हूं थोड़ा बहुत, और जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो उसके लिए महान महान कार्य करते हैं। इट्स सिंपल, आई एम नॉट फुल ऑफ ईगो, आई एम नो वन, लेट मी टेल यू, आई एम नो वन, आई डोंट हैव पावर टू डू एनीथिंग। गॉड हैज चूजन मी इन हिज ग्रेस, उसने मुझे अपने अनुग्रह में चुना, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे ऊंचा किया। आई एम नथिंग बिफोर हिम, but he still loved me, so I'm not full of ego. The only thing is I started to know him little bit. Main thoda bahut kyun bol raha hu, little bit kyun bol raha hu, the day you will know him fully. You know, log kehte hain आप परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जान पाते। जब आप इस प्रकार का भद्दा स्टेटमेंट देंगे, आपके लोग अपंग बन जाएंगे, क्योंकि वो अपने दिमाग में पहले से जानने लगे हैं परमेश्वर को पूरा तो जानना है नहीं, पूरा जानना तो है नहीं, तो क्या क्या फायदा। बट आई एम टेलिंग यू पुट योर फुल एफर्ट टू नो हिम फुल्ली, जिसने आपके लिए
अरे आप जरा सोचो, आपके लिए उसने अपना इकलौता बेटा भेजा, आप उसको पूरा जानने का सामर्थ्य नहीं दे सकते हैं। सोचो, यू नीड टू थिंक दैट। तो थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम आपको रेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है, नो हिम, बट हाउ यू विल नो? समझ रहे विक्टर भाई? You need rain, but now the rain will come through the knowledge of Him. Amen. You need more finance, through the knowledge of Him, you will live, you will get whatever is related to life. Kuch chahiye aapko, know Him better way. That is the reason I keep telling, अरे परमेश्वर को प्यार करो, यीशु मसीह को प्यार करो, यीशु मसीह को जानो, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो। You know, many pastors are struggling. बहुत से पासवान लोग तकलीफ उठा रहे हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। You know what? You need to understand this thing. I'm telling you the secret. एक दूसरे को दरख्त तरफ देख कर पकाए, रहस्य जानो। नो द सीक्रेट, दे आर वेरी मच फेथफुल, बट इन फेथफुल फेथफुलनेस एंड द फेथ इज अ टोटली टू थिंग। आप फेथफुल हो सकते हैं, विश्वास योग्य हो सकते हैं, और आप कर्ज में रह सकते हैं, बीमार रह सकते हैं। यू आर फेथफुल, फेथफुल टू सर्व हिम, फेथफुल टू लव हिम, फेथफुल 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 टू कम इन द चर्च, फेथफुल टू क्लीन द चर्च, फेथफुल टू गिव टाइथ, फेथफुल 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 टू हेल्प पीपल। बट इट्स टोटली अनदर थिंग, ये पूरी तरीके से दूसरी बात है जब विश्वास के बारे में बात आता है। फेथ हैज नथिंग टू डू विद फेथफुलनेस, and faithfulness has nothing to do with faith. जब आप परमेश्वर को जानने लगते हैं, हाया रबा, you know him better way, your faith rises, और जो शहर में कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है आप कर रहे हैं। यू नो वाई? यू नो वाई? इट्स नॉट बिकॉज यू आर रिच, इट्स नॉट बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर वन। No, 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 no. आप इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपका विश्वास का लेवल बढ़ने लगा है। आपका विश्वास का लेवल बढ़ने लगा है। जब चेले लोग जाकर दुष्ट आत्मा निकालने लगे, they were not faithful, but they were full of faith. उन लोग विश्वास से भरे हुए थे, वो गए, बैंग 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 बैंग, दुष्ट आत्मा निकला, बीमारी लोग ठीक हो गए, मुर्दे जिलाए गए। They were not faithful. इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया। लिखा है जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उन लोग कपड़े छोड़कर भागे। लेकिन मेरा सवाल है, क्या उन्होंने चमत्कार किए? किए। So you need to understand. You need to understand. Ricky Thapa is nothing if I don't have faith. Whatever I have, I have because I started to know him. This is scripture. I started to love him more. I understood. मैंने समझा इसका value. मैं इसको प्यार करने लगा। कई लोग हैं जो अभी भी सिर खुजला रहे, ये क्या है इसमें? लेकिन मैं इसको समझने लगा, जिसका प्रभाव मेरे जीवन में दिखने लगा, मेरे बातों में दिखने लगा, मेरे जवान में दिखने लगा। तो जो लोग नहीं समझते हैं वो दूसरे को बोलते हैं, ये तो घमंडी है। यीशु मसीह को लोगों ने देखा, कहा ये घमंडी है, अपने आप को परमेश्वर के समान करना चाहता है। नो 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 नो, व्हेन पीपल स्टार्टेड टू या यहूदी लोगों के बीच में चार लोग खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे लोग, और उनको परमेश्वर के बारे में ज्ञान होने लगा था। यू नो, लोगों को कहा गया, इनको अगर ये मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, इनको आग में डाल दिया जाए। दिस थ्री मैन ऑफ गॉड, ये तीन परमेश्वर के लोग खड़े हो गए और कहने लगे, मुझे नहीं झुकना है। क्या वो घमंडी थे? नहीं, वो अपने परमेश्वर को जानने लगे थे। हालेलुया।
The time you started to know your God, पता क्या होता है, दानियल 11 का 32 कहता है, आप उसके लिए महान महान कार्य करने लगते हैं, आप उसके लिए महान महान चीजों का अचीव करने लगते हैं, आप उसके लिए महान महान दर्शन देखने लगते हैं. बट इट्स स्टेप बाय स्टेप, यू स्टार्टेड टू नो हिम लिटिल बिट. मैंने इसीलिए कहा मैं अभी थोड़ा सा जानने लगा हूं, एंड आई स्टार्टेड टू अचीव थिंग्स फॉर गॉड. जब मैं जानने लगूंगा और ज्यादा, और ज्यादा मैं बोलूंगा, लेकिन तब तक के लिए इसको हम सेकेंड टाइम के लिए रखते हैं. ठीक है ना, मैं चाहता हूं इसको पढ़े वापस ना. जिसने हमें अपनी महिमा, हाया हाया, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, हैज कॉल अस टू ग्लोरी एंड वर्च्यू. ही हैज कॉल अस टू वर्च्यू एंड हिज ग्लोरी. उसने महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया गया है, उसने हमें महिमा प्रकट करने के लिए बुलाया है. आप लोग यहीं पर हैं कि सो रहे हैं? उसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण प्रकट करने के लिए बुलाया. When it will happen, church? कब होगा ये? जब आप उसको जानने लगेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा. When you started to know कि आप जो कुछ मांगते हैं आपको मिलता है. Your life changes. It will never be the same again. क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को जानने लगेंगे. The first thing in Christian life is to love the word of God. जब ये जानते हैं आप, जब आप नहीं जानते हैं, आप रेंट के लिए तरस रहे हैं. आपके पास में ये नहीं है. You know, you can struggle with many things. You can struggle with many things. And people struggles every day. But you know what God's, what's in God's heart? परमेश्वर के दिल में क्या है? वो कहता है कि मैं आया था कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ. Each one of you can have that prosperous life, life in abundance. नहीं, ये तो prosperity gospel है. It seems like prosperity gospel to you. Let me ask you one thing. Do you enjoy your poverty? आपके बच्चे दूध के बिना मर रहे हैं. Do you enjoy that? God has given you some vision to fulfill and you don't have money. Do you enjoy that? One pastor says, एक व्यक्ति का कहना है, एक पासवान का कहना है, and I really like. When you have a vision and I don't have provision, then your vision need to be revision. समझे? मैं वापस बोल रहा हूं. When you have a vision and you don't have provision, then your vision need to be revision. And it's true. जब आप ये जानने लगेंगे, मेरे प्रियो मैं बता रहा हूं, आप देखेंगे आप दानियल सदरक और मेशक के जैसे महान महान काम करेंगे संसार में जाकर. आप वायरस से भागेंगे नहीं, लेकिन जब जब आपको पता हो कि कहीं पर वायरस आया है, चाहे इबोला हो, चाहे करोना हो, चाहे कोई भी वायरस, आप उस देश में जाएंगे और आप उस देश में जाके परिवर्तन करेंगे. हालेलुया. So continuously, the first thing your focus should be, आपका जो पहला focus होना चाहिए वो है परमेश्वर का वचन. हालेलुया. आए अपने पाँव